नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपकी ही चिंता लगी रहती है। देखिए, आप अभी घर में हैं पिछले 1.5 महीने से, और हो सकता है कि अभी 1-1.5 महीने आपको घर में फिर रहना पड़े। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप अपनी नौकरी के बारे में मत सोचिए, आप अपनी सेविंग्स के बारे में मत सोचिए, आप अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचिए, आप अपने दुकान के बारे में नहीं सोचिए, आप शादी ब्याह के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए। आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि 2020 का साल जो है वो जिंदा रहने का साल है। आपको और मुझे जिंदा रहना है। सॉरी, आज सुबह से कुछ बुखार जैसा लग रहा है और गला भी ख़राब है। खैर, आई गेस कि कोरोना वायरस ने मुझे इन्फेक्ट नहीं किया हो, नहीं करेगा, मुझे पता है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आ, आ, बिल्कुल सुरक्षित रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। 2020 का साल जो है वो जिंदा रहने का साल है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित उद्योगपति, जिनका नाम रतन टाटा है। आपको पता है, हिंदुस्तान के बाहर यदि आप जाएंगे, अमेरिका में या यूरोप में, तो वहाँ पे लोग वैसे मुकेश अंबानी को जानते हैं, आनंद महिंद्रा को जानते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट रतन टाटा की है वो और किसी इंडस्ट्रीज की नहीं है, क्योंकि रतन टाटा के नाम के साथ टाटा लगा हुआ है। और टाटा जो है इंडिया का पहला ट्रूली मल्टीनेशनल कंपनी है और सबसे रिस्पेक्टेड कंपनी भी है। तो टाटा का जहाँ भी नाम आता है, और ख़ास करके रतन टाटा का, तो लोग बहुत सम्मान से उनका नाम लेते हैं और बहुत ही आदर करते हैं। बस आप यही समझ लीजिए कि बाहर जैसे अक्सर डावोस वगैरह में बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, और वहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान से भी जाते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जाते हैं, महिंद्रा जाते हैं, मफतलाल के यहाँ से लोग जाते हैं, और भी बिरला की कंपनी है, कुमार मंगलम हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, सुनील मित्तल जाते हैं, एयरटेल के मालिक रुइया जाते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जब वो स्टेज पे जाके एड्रेस करता है, वो सम्मान नहीं मिलता जो रतन टाटा को मिलता है, क्योंकि रतन टाटा जब भी स्टेज पे जाते हैं और एड्रेस करते हैं, तो सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये तो है शख्सियत रतन टाटा की। तो यदि रतन टाटा कुछ कहते हैं तो हमें सुनना चाहिए और हमें उस पर गौर फरमाना चाहिए। तो ये रतन टाटा ने कहा है कि 2020 जो है साल, वो प्रॉफिट कमाने का नहीं है, बिजनेस करने का नहीं है, सेविंग्स करने का नहीं है, जिंदा रहने का साल है, जिंदा रहने का। तो दोस्तों, अभी तो अप्रैल निकला है और मई की शुरुआत हो गई है, अभी 8 महीने बाकी हैं, तो अभी 8 महीने हमें जिंदा रहना है, मुझे भी, आपको और हम सबों को जिंदा रहना है, ठीक है? और जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग का स्वस्थ होना, और दिमाग के स्वस्थ होने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए संगीत ज़रूरी है। तो संगीत सुनिए और जिंदा रहिए, संगीत के साथ जिंदा रहिए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू
खुशबू तेरा बदन, तू हा कर या ना कर, तू हा कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हा कर या ना कर, तू हा कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण।